Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की प्यार भरी मोहम्मद में अब फरेब और जलसाजी का ट्विस्ट आ गया है। सुशांत के पिता की रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR के बाद से लव स्टोरी हेट स्टोरी में बदल गई है। रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। किसी ने नहीं सोचा था कि सुशांत सिंह रिया संग प्रेम कहानी का इतना खौफनाक अंजाम होगा। चलिए जानते हैं कैसे हुई थी दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत। यह भी इत्तेफाक ही है कि जब सुशांत जिंदा थे तब तक उनकी लव स्टोरी दुनिया से छिपी रही। हालांकि दोनों के प्यार में होने की अटकलें तो थी, लेकिन कभी उन्होंने अपने रिश्ते को पब्लिक नहीं किया था। रिया ने सुशांत की मौत के बाद उनके साथ लिव इन में रहने और उनकी गर्लफ्रेंड होने का भी खुलासा किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत और रिया पहली बार साल 2013 में मिले थे। तब सुशांत फिल्म सुदेशी रोमांस की शूटिंग कर रहे थे और रिया मूवी मेरे डैड की मारुति पर काम कर रही थी। कहा जाता है कि दोनों के फिल्मों के सेट आसपास थे। इसी दौरान सुशांत और रिया की मुलाकात हुई थी। इसके बाद सुशांत और रिया कई पार्टियों में मिले। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हो गई। इस दौरान सुशांत एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के साथ रिलेशनशिप में थे। खबरें थी कि जब सुशांत की जिंदगी में अंकिता में आई तब उनके और अंकिता के बीच तनाव चल रहा था। इसी वजह से सुशांत रिया के करीब आते गए। दोनों की मुलाकातें और बातचीत बढ़ने लगी। बाद में सुशांत का अंकिता संग ब्रेकअप हो गया। दोनों का 6 साल पुराना रिश्ता टूट गया था। हालांकि कभी दोनों शादी करने वाले थे। रिया और सुशांत के साथ में घूमना फिरना हैंगआउट करना उनके रिश्ते की सच्चाई बयां करता था। सुशांत की मौत के बाद रिया ने सोशल मीडिया पर बताया था कि सुशांत ने ही उन्हें प्यार पर भरोसा करना सिखाया था। अब रिया पर सुशांत के करीबी और परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि जब से वे एक्टर की ज़िंदगी में आई है वे पूरी तरह बदल गए। सुशांत घर वालों और दोस्तों से कम बातचीत करते थे। सुशांत बार बार नंबर भी बदलते थे। एक इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए फिल्म क्रिटिक सुभाष केझा ने कहा कि 2 साल के रिया के साथ रिलेशनशिप में सुशांत काफ़ी बदल गए थे। डेढ़ दो साल में वो अकेले हो गए, जबकि उनसे पहले वो बहुत मिलनसार हुआ करते थे। अंकिता के साथ वो बहुत ही खुश रहते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि वो 2 बार शादी करेंगे, एक बार अपने परिवार के लिए और दूसरी बार अंकिता के परिवार के लिए इंदौर में शादी करेंगे। सुशांत के परिवार वाले भी अंकिता को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.